Hello everyone, in this video I am doing question number 13 of chapter 7 algebraic identities worksheet number 6. So question is of factorize a square minus in the bracket b minus c whole square. So in the next step a square can be written as a ka whole square minus b minus c whole square will remain the same. अब आपने identify करना है कौन सी identity इसमें लगेगी, तो इसमें लगेगी identity a square minus b square की. तो a क्या है यहां पर a, और b की value क्या है b minus c. तो identity लिखेंगे using identity ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो इट इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो स्मॉल ब्रैकेट ए के प्लेस के ऊपर ए है, प्लस बी के प्लेस के ऊपर क्या था बी माइनस सी. तो आपने ये लिख दिया एक ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी, यानी दिस इज a प्लस बी. नाउ स्क्वेयर ब्रैकेट a के प्लेस के ऊपर क्या है a, माइनस का माइनस, और जो b के प्लेस के ऊपर है वो क्या है b माइनस सी. तो इस b माइनस सी को स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है. अगर आप यहां पर ये स्क्वेयर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे फिर गलत हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, बिकॉज हेयर माइनस साइन इज देयर, सो हेयर साइंस आर टू बी चेंज्ड. ए प्लस बी माइनस सी इंटू, ये ब्रैकेट ओपन करनी है, ए बाहर माइनस है तो ये बी माइनस बी, और माइनस प्लस सी, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो अलाइक. 25 एम स्क्वेयर माइनस 4 एन प्लस 3 एल होल स्क्वेयर, राइट. सो वी विल मूव अहेड फॉर दिस क्वेश्चन. इसमें 25 एम स्क्वेयर को आप 5 एम का होल स्क्वेयर लिखेंगे, 5 एम होल स्क्वेयर माइनस दिस यू विल लीव एज इट इज 4 एन प्लस 3 एल होल स्क्वेयर. अब आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो यहां ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगेगी. Using identity a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. It is equal to a के place के ऊपर क्या है 5m, और b के place के ऊपर है 4n plus 3l, 4n plus 3l. तो a प्लस बी, तो a की वैल्यू 5 एम प्लस बी है 4 एन प्लस 3 एल, तो ये बन गया a प्लस बी. आगे स्क्वेयर ब्रैकेट a माइनस बी, तो 5 एम माइनस b की जो वैल्यू है वो आपने स्मॉल ब्रैकेट में लिखनी है 4 एन प्लस 3 एल, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज. नाउ इन द स्मॉल ब्रैकेट 5 एम प्लस 4 एन प्लस 3 एल, नाउ स्क्वेयर ब्रैकेट चेंजेस इनटू स्मॉल ब्रैकेट 5 एम, ये बाहर माइनस लगा है ब्रैकेट के, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा माइनस 4 एन, माइनस एंड प्लस इज माइनस 3 एल,
सो दिस वॉज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15. 2a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर. 2a प्लस 3b होल स्क्वायर सेम लिख देना है, माइनस 4c स्क्वायर को आपने 2c का होल स्क्वायर करना है, 2c होल स्क्वायर. अब फिर से आइडेंटिफाई कर रहे हो तो यहां आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, सेम आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो इट इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो ए के प्लेस के ऊपर क्या है, 2a प्लस 3b, ये हमारी a की वैल्यू है, ये देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. प्लस b की वैल्यू क्या है, 2c, तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वेयर ब्रैकेट लगेगी यहां पर स्क्वेयर. a की वैल्यू 2a प्लस 3b माइनस b की वैल्यू है 2c. अब आपने क्या करना है, सभी ब्रैकेट्स को स्मॉल कर देना है, तो ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 3b प्लस 2c इंटू 2a प्लस 3b माइनस 2c. ये बिल्कुल सेम स्टेप है जैसे आपने ऊपर लिखा, जस्ट ब्रैकेट को रिमूव करके स्मॉल ब्रैकेट किया गया, राइट. तो ये था क्वेश्चन नंबर 15. अब जो 16 क्वेश्चन है वो डबल क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल आइडेंटिटी लगेगी इस क्वेश्चन में, राइट. तो स्मॉल ब्रैकेट में 64 एम स्क्वेयर माइनस 144 एम एन प्लस 81 एन स्क्वेयर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस 25 पी स्क्वेयर, राइट. अब यहां इक्वल टू लगाकर स्क्वेयर ब्रैकेट लगानी है. 64 एम स्क्वेयर को हम किसका होल स्क्वेयर कर सकते हैं, 64 किसका स्क्वेयर है, 8 का, और एम स्क्वेयर किसका है, एम का. आप इसे लिखेंगे 8m का होल स्क्वायर, माइंड में बोलेंगे a स्क्वायर, थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ करके प्लस, ये वाला प्लस का सिंबल जो ऊपर लगा है, 81n स्क्वायर को आप लिखेंगे 9n का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस बी स्क्वायर बना, बीच में जो माइनस ये लगी थी वो माइनस लगा दी. 144 mn को आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाइड a, तो a की वैल्यू क्या है, 8m मल्टीप्लाइड b, तो b की वैल्यू क्या है, 9n, स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस 25p स्क्वेयर को आप लिखेंगे 5p का होल स्क्वेयर. अब जो ये चीज स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर है, यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्लियर कट दिख रहा है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो आपने यहां लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर. ये आइडेंटिटी स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर लगेगी. तो अब ध्यान से देखो, ए के प्लेस के ऊपर क्या है, 8m, तो यहां a माइनस बी का होल स्क्वेयर है, तो ये आ जाएगा 8m माइनस बी की वैल्यू क्या है, 9n, 8m माइनस 9n का होल स्क्वेयर बन गया. और ये जो माइनस 5p का होल स्क्वेयर है वो एज इट इज रहेगा,
राइट। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? मैंने आपको क्वेश्चन के बिगिनिंग में बोला था कि इसमें डबल आइडेंटिटी लगेगी, एक आइडेंटिटी आप लगा चुके। यहां आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, और यहां ए की वैल्यू क्या है, 8m - 9n, और बी की वैल्यू है 5p। तो आप लिखेंगे यहां पर यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट इज इक्वल टू ए के प्लेस के ऊपर था 8m - 9n प्लस बी के प्लेस के ऊपर है 5p। ए माइनस बी 8m - 9n - 5p। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस 13, 14, 15 एंड 16 एक्सप्लेन्ड बाय मी इन दिस वीडियो। थैंक यू।